कहना है मैंने, धूप में खड़ा हूँ और अपनी मोटर भी चल रही है खेत में, और इतने दिन का व्लॉग नहीं आया था, वो भी बताऊँगा क्यों नहीं आया था। आगे चलते हैं, बताते हैं, देखते हैं। तो आज भी बहुत सारा काम है अपने को, फार्म में खाद वाद भी साफ करवाना है, फिर शादी में भी जाना है, बेल भी जोड़ना है, पानी भी चल रहा है खेत में, तो बहुत सारा काम है। और 5-6 दिन से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था तो ख़राब हो गया था। उस बीच बहुत सारा काम निपटा दिया अपन ने, उधर की सारी ज़मीन भी ले ला गई है और 20-25 बीघा ज़मीन और बची है बस रेलने की 63 में से, बाकी बोआ भी गई है और ये घर के पीछे ये आला खेत भी रेल दिया है अपन ने। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। ये स्टार्टर बहुत आवाज़ कर रहा है, इसकी पत्ती थोड़ी वो हो गई है, तो ये ऐसे करते हैं तो बंद हो जाती है आवाज़ और फिर वापस से चल लो। और ये तो आवाज ही नहीं करता, ये अच्छा स्टार्टर है। तो अभी फार्म वारम के खाद का काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं, देखते हैं आधा कभी खेत में डाल देंगे तो अपने को सुपर ऊपर उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आधा उधर कर देंगे दूर पड़ेगा तो देखते हैं क्या सीन बनता है। ज़्यादा नहीं है, एक आधी ट्राली निकलेगा। तो इधर भी फीडर वीडर सब ऊंचे कर दिए है, और माल थोड़ा ज़्यादा दिन का हो गया था इसलिए पर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे तुम्हारे को, पूरा एकदम सफ़ेद। और करते हैं इसको भेला वेला कराते हैं और फिर उधर खेत में या फिर उधर बाहर फिकवा देंगे, देखते हैं क्या सीन बनता। ये खाद अपन ने खेत में उड़ा दिया है, देख ही सकते हो यहाँ से लगा कि वहाँ तक पूरा 2 बीघा में ये फार्म का, और फार्म भी पूरे साफ हो गए, क्लियर हो गए, मतलब दोनों तरफ से उड़ गया है खाद। ये देखो सब क्लियर कर दिया है, पूरा खाद उठा के खेत में डाल दिया है अपन, पूरा मुँह से लगा के। वो थंबा जो दिख रहा है वहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो ये अपना NPK 12-32-16 भी आ चुका है, और ये किसान का है, वो है अपना क्या नाम है, IFFCO DAP नहीं है ये 12-32-16। तो ये भी आ गया है अपन, और फार्म का भी सब काम निपटा दिया है अपन ने, खाद वाद भी फेंकवा दिया है। तो खाद वाद भी डल गया है और फार्म भी क्लियर हो गया, अपना IFFCO भी आ गया है, DAP खाद वगैरह, तो ये वाला काम तो हो गया है। बस अभी बैंड लगाना रहा है और अभी अपने को जाना भी है ऑफिस शादी में हल्दी में, तो चलते हैं देखते हैं क्या सीन होता है। तो कपड़े वपड़े चेंज करते हैं नहाते और फिर मिलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ शादी में जाने के लिए, फिर वापस कल आ जाऊँगा मैं और देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी लेट हो रहा हूँ मैं इसलिए, और ये बैग हाथ में। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी बज रहे 10, और अभी यहाँ से निकलते हैं और घर चलते हैं क्योंकि घर पे भी बैंड वैंड जोड़ना है और ये करना है, इसलिए जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी मैं वापसी रिटर्न घर आ चुका हूँ और अपने को बैंड वैंड भी जोड़ने जाना है, तो वो सामान भी बताता हूँ मैं, तो देखते हैं। और उससे पहले गाँव में भी एक शादी है, तो शादी को भी अटेंड करना है, खाना वाना खाना है, तो वो भी अटेंड करके फिर शायद बैंड वैंड जोड़ेंगे। फिर मैं अभी तुम्हारे को जो सामान लाया हूँ वो दिखाता हूँ, फिर मिलते हैं। तो अपने को जहाँ बैंड करना है ये वहाँ का सामान लिया है, ये होज है और ये 3 की होज है, ये तो जैसे खोल के ये नई वाली लगा देंगे अपन, ये तो अभी जैसे ही लगा दी थी अपन ने, और ये जॉइंडियर ये ज्वाइन करने का, और टी है, निप्पल है, और नट वगैरह और सॉल्वेंट और सारा काम सब ये सामान लेके आए हैं। तो सामान तो आपने देख लिया होगा, और वापस अपने को रिटर्न भी जाना है वापस शादी में क्योंकि मेरे कज़न की शादी है, तो उपस्थित होना ज़रूरी है, तो काम भी ज़रूरी है, तो वो भी निपटा निपट गया,
और फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी खाना वाना खा के तो आ गए हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ये बैंड लेके, बैंड उधर कस देते हैं। तो अपन जब तक उधर जॉइन वाइन करेंगे, न्यू बैंड बिठाएंगे तो अपनी मोटर ले खोटी नहीं होगी, लेट नहीं होगी, जब तक इधर चला करेगी बंद नहीं रहेगी। तो अभी करते हैं ये और फिर देखते हैं, फिर वहाँ चलते हैं और उसको समझते हैं और करते हैं। ये बैंड थोड़ा चिपक गया है, ये यहाँ से ये निकल ही नहीं रहा है बॉस, क्योंकि ये जब से खोला ही नहीं था इसको तो ये रबड़ है ना चिपक गया है। मैंने फुल ताकत लगा ली फिर भी नहीं निकल रहा है, ये देखो। इसको ठोक के ही निकालना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और ये भी सब हो गए। तो ये नली करी है पानी भरने वालों ने और इधर ऊपर वाले खेत में पानी चलेगा। यहाँ का काम कर दिया है कंप्लीट और बस ये वाल में भूल गया, अभी हाल ही याद आया मुझे, ये वाल बंद कर देते हैं और ये बैंड वेंड भी लगा दिया निकाल के ठोक के, इसको बड़ी उससे ठोका था और फिर निकला, और ये सब कर दिया है सेट। अब इसमें की भी बन जाएगी और ऊपर पानी चला जाएगा, तो इसको बंद करते हैं और फिर चल। तो अभी वो वाली मोटर और ये वाली मोटर, ये दोनों अभी एक ही पाइपलाइन में चल रही हैं। तो इसको है ना अभी यहाँ से खोल के और ये पाइप यहाँ से खोल के वो इसमें कस देंगे, तो ये पानी अपने वहाँ से पाइपलाइन गड़ी है वो देख ही सकते हो काला रोल, तो वहाँ से वहाँ निकल जाएगा जहाँ अभी अपन बैंड कस के आए। और वाली मोटर का और इस मोटर का ये सीन है कि वहाँ दो वाल है, एक वाल इधर का बंद कर देंगे जो भी चल रहा है वो इसमें कस के, ये यहाँ से खोल के और इधर कस देंगे, तो ये वाली मोटर इधर चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी ये क्लिप टूट गई है और ये क्या पता अभी घर में है कि नहीं, ये खोलने में थोड़ी जंग लग गई थी इसलिए तो ये टूट गई है। इसको चलो फिर, अभी तो इतना लोड पे नहीं चलेगी मोटर, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लाना पड़ेगी। तो इसका फोर्स आप देख ही सकते हो और फिलहाल वो तार वार टूट गया था और कुछ नीचे का जब बहुत कम पानी दे रही थी मोटर अपने, और आज देख सकते हो इतना पानी दे रही है, ये 600 फीट नीचे है। तो अभी मोटर चालू कर दी अपन ने, केवी बिछा के ये देख ही सकते हो, और तो ये यहाँ की जगह अपने को बैंड करना है याले खेत में, याले खेत में, और इधर ये सब पानी फिर जाएगा। तो ये सलंग पट्टी ठेठ वहाँ से लगा के उधर तक अपने को ही फेरना है, तो ये अभी साफ आप करते हैं और फिर लगाते हैं ना बैंड। ये सब करवा दिया था, वापस धस के आए। फाइनली गाइस आज मैं आ गया हूँ घर, और दो चार दिन का कज़न की शादी थी तो उसमें लगा हुआ था, तो ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाया और कुछ कर नहीं पाया, तो आज मैं ब्लॉग एडिट करके अपलोड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, कितना सूट किया था, क्या नहीं किया था, और अपलोड करता हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग डालता हूँ, और देखते हैं क्या क्या काम है। काम वैसे बहुत सारा है, बहुत सारा काम निपटाना है, ज़मीन बकराना है, बोवाना है, सब में बराबर आ गया है क्योंकि यार था नहीं, तो
हुआ नहीं कुछ, काम करते हैं।